प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर 46 मिनट हवाओं और फिजाओं में मोदी जी पाकिस्तान के क्या रह लिए कि आपके वजीर आजम ने तो SEU की मीटिंग में पूरा धाबा ही बोल दिया कि आ जाइए और बहुत बोल्ड डिसीजन बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप बिजी हैं तो हम इस SEU की मीटिंग को संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को हम अक्टूबर में कर लेंगे पर आप आइए क्योंकि आप कब्रिस्तान हो चुके हैं आप हमारी तरफ से एक भी एक्शन या रिएक्शन आप बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम को दो टोक बाद हमारे मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान यूज टेररिस्ट, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिज्म को पालता और पोसता है। ये बात बहुत साफ लग सभी को। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और क्या प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में पाकिस्तान जाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। 46 मिनट हवाओं और फिजाओं में मोदी जी पाकिस्तान के क्या रह लिए कि आपके वजीर आजम ने तो SEU की मीटिंग में पूरा धाबा ही बोल दिया कि आ जाइए और बहुत बोल्ड डिसीजन बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप बिजी हैं तो हम इस SEU की मीटिंग को संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को हम अक्टूबर में कर लेंगे पर आप आइए क्योंकि आप कब्रिस्तान हो चुके हैं। आप हमारी तरफ से एक भी एक्शन या रिएक्शन आप बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम को दो टोक बाद हमारे मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान यूज टेररिस्ट, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिज्म को पालता और पोसता है। ये बात बहुत साफ लग आज हमारे भारत में देखिएगा जितने भी अदर कास्ट के, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं हिंदू को अदर कास्ट बोल रही हूँ, जितने भी अदर कास्ट की लोकैलिटी में जाइएगा, बहुत माइनर माइनर सी बात है, आपको सुनने में बहुत छोटा लगेगा लेकिन आप जब डीप में जाइएगा तो आपको बड़ा लगेगा। जब आप यहाँ के हिंदू कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, सिख कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, आप बौद्ध कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, आपको लगेगा कि आप किसी इलीट क्लास के इलाके में आई हैं। लेकिन भारत में जब आप जामा मस्जिद एंटर कीजिएगा, जब आप ओखला एंटर कीजिएगा, जब आप मुस्लिम इलाका और मोहल्ला पूरे भारत में जब आप एंटर कीजिएगा, आप बोलिएगा ये कौन से इलाके में हम आ गए हैं, कितना गंदा है, कितना अजीब सा है, गाड़ियां नहीं एंटर कर पा रही हैं, लोग रोड पर बैठ करके बीड़ी फूंक रहे हैं, कोई खैनी लगा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई लड़कियां छेड़ रहा है, 10 लड़के आपस में अड्डा बना लेते हैं शाम के वक्त में, वो लड़कियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, 10 लड़के आपस में बैठ जाते हैं और उसके बाद भी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को लेकर के और लड़कियों के कपड़ों को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो यहां से समझ में आता है कि हमारे भारत में 79% पॉपुलेशन जो है वो शिक्षित है, अगर आप गूगल से अगर आप पूरा डेटा निकालिएगा। लेकिन हमारे इसी भारत में सचर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान जो है वो शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। आप बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एकदम सही जा रहे हैं कि हमारा भारत बहुत डेवलप किया है, इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत डेवलप किया, और अभी हालिया की रिपोर्ट आई है कि मात्र 7 to 8 months में, हालिया की रिपोर्ट है ये, वो भी हमारी नहीं है, वो वर्ल्ड रिपोर्ट है कि 7 to 8 months में हम इकोनॉमी के थ्री पोजिशन पर पहुंचने वाले हैं। इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बहुत अच्छा है, हमारी GDP बहुत अच्छी है, हमारा एडुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन मुसलमानों ने अपने आप को आज भी वही रखा हुआ है, वही अब्बा का कुर्ता पहनेंगे, वही बेटे का पैजामा पहनेंगे, वही आंख में सुरमा लगाएंगे और वही गाली गलौज करेंगे और वही बलात्कार करेंगे। अभी मैं काम ही कर रही थी कि उत्तराखंड में, ये कल की घटना है और हमारे भारत के सभी चैनल पर अभी ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है, उत्तराखंड में मदरसे में एक मौलाना साहब है, वो 8 साल 10 साल की बच्चियों को पॉर्न मूवी दिखाते थे और फिर उनके साथ बलात्कार करते थे।
एक देश, इसलिए मैंने ये बात कही है कि हो सकता है कि आपके देश के वजीर आजम ये समझ गए होंगे कि अब बिना मोदी जी के पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा, या बिना मोदी जी से अच्छे रिश्ता रखे हुए ना अमेरिका सपोर्ट करेगा, ना रशिया सपोर्ट करेगा, ना इसराइल सपोर्ट करेगा, ना अरब सपोर्ट करेगा, और ना ही 56 मुस्लिम कंट्रीज हमको सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि आपके वजीर आजम को अब समझ में आ चुका है और वो मजबूर हो चुके हैं कि अगर अगर मोदी जी उनके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या मोदी जी उनके इस एससीओ की समिट में आ जाते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर लेंगे आपके वजीर आजम कि हमारा भी कुछ भला करवा दीजिए, है ना। और क्योंकि हालिया में अभी ज़ेलेंस्की से मोदी जी की मुलाकात हुई है, तो पूरी दुनिया में एक एक मैसेज तो चला ही गया है कि मोदी जी किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि वो टेररिज्म और किसी भी तरीके के जंग के विरोध में वो हमेशा रहते हैं। ये मैसेज तो चला ही चुका है, जा ही चुका है। जितनी जितना अच्छा रिलेशन उनका नेतन्याहू जी के साथ है, वो कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी उतना ही मतलब अपना अपना एक सपोर्ट दिखाया है, है ना। अभी रशिया यूक्रेन वाला तो भी चल ही रहा था, लेकिन लेकिन बात यहां पर आती है कि चलो मान लेते हैं कि सबको सब कोई मिला करके पाकिस्तान को फिर से फंड कर देता है, हम मान लेते हैं। चलो एक सेकंड के लिए आज मान ही लेती हूँ, जो मैं कभी नहीं मानती हूँ, आज मैं मान ही लेती हूँ अनु। लेकिन क्या आपकी आवाम अश्लीलता छोड़ देगी? क्या आपके यहाँ मदरसे टूट करके स्कूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे? क्या आपके यहाँ हिंदुओं को काफिर बोलना खत्म कर दिया जाएगा? क्या आपके यहाँ हिंदुओं की बहु बेटियों को किडनैप करना बंद कर दिया जाएगा? क्या आपके यहाँ मियां मिट्टू को अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या आपके यहाँ जितने भी जिहादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा? क्या दाऊद इब्राहिम को भारत के हैंडओवर कर दिया जाएगा? क्या ये सारी चीजें होंगी ये सारी चीजें? तो हेड भी आपका, टेल भी आपका, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब जब एक व्यक्ति बहुत कमजोर होता है ना, तो उसको सामने वाले की बात माननी पड़ती है। उसी तरीके से जब एक देश कमजोर होता है, तो वो बहुत घमंड में नहीं रह सकता है, उसको डाउन टू अर्थ हो करके सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। और हमारे भारत देश की जनता की एक ही पुकार है कि हमें वो सारे लोग हमारे हैंडओवर कर दो जिसने जम्मू एंड कश्मीर में जेनोसाइड किया था, और दाऊद इब्राहिम जिसके नेतृत्व में महाराष्ट्र बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसके नेतृत्व में आज भी केरला और तेलंगाना में कई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं। आप हमें उसको दे दीजिए, हमारे हैंडओवर कर दीजिए। वो आपकी सरकार कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आपकी सरकार तो गधे बेच करके अवाम का पेट नहीं भरती है, लेकिन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बम गोली बारूद जरूर देती है, हनी ट्रैप की लड़कियों को ट्रेंड जरूर करती है। तो आपने, आपकी सरकार ने इनवाइट किया है जो पाकिस्तान देश के युवा हैं, जो शिक्षित है, जो वाकई में अपने देश को बहुत खूबसूरत फलता फूलता देखना चाहते हैं, जिनको सच में देश से मोहब्बत है, वो डेफिनेटली इस पर दुआएं मांगेंगे कि मोदी जी आ जाएं और एक नया माहौल, एक नई आबोहवा जो है वो भारत वाली जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो पाकिस्तान में भी दिखाई दे। लेकिन क्या आपकी सरकार और आपकी आर्मी आपके अवाम को कंट्रोल करेगी? जो आप लोगों के ही यूट्यूब चैनल्स पर बोलते हैं, रिएक्शंस देते हैं, हम तो लाई लहा पढ़ेंगे और सारे हिंदुओं का गला काट देंगे। नहीं रोक पाएंगे। अभी देखिए ना आप कि जर्मनी के ब्यूरोक्रेट गए की मुलाकात पाकिस्तान में हुई है, और जर्मनी के ब्यूरोक्रेट को कितना इंसल्ट किया है आपके पाकिस्तानी सरकार ने। उनका बैग ले लिया, उनका बैग चेकिंग किया है, उनसे बहुत बदतमीजी से बात किया गया है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? हाथ में भीख का कटोरा, जुबान पर गाली,
पैंट का जिप खुला हुआ, माथे पर टोपी, आंख में सुरमा और बलात्कारियों का तो भंडार है, और इस्लाम का नाम जो है वो बुलंद करते रहते हैं। क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कोई लड़की जो है वो किसी बाहर देश से आई है और पाकिस्तान के 14 अगस्त के सारे चीजों को वो अपने कैमरा में कैप्चर करना चाह रही है, यूट्यूबर है, और आप उसको रेप करो, 1000 मर्द मिल करके उसके शरीर के साथ खेलो, ये कहाँ पर इस्लाम में लिखा हुआ है? मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप बता दीजिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे इन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।